हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बुखारा। आज हो रही है 7 जनवरी, संडे है और आज मेरी ट्रेन है यहाँ से बुखारा से दुशानबे के लिए 2:54 पे। तो अभी यहाँ पे ना बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, सो स्नो का कोई चांसेस नहीं क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बस ठंड बढ़ने के चांसेस है। और यहाँ पे भाई बसेस के कोई ऑप्शन प्रॉपर है नहीं, सो मैं बस के चक्कर में वेट नहीं करूँगा ना ही टाइम वेस्ट करूँगा, तो मैं सीधे यहाँ से टैक्सी बुक कर रहा हूँ जो यहाँ की यंडेक्स है। यंडेक्स से मुझे मिल रहा है जो प्राइस 17,500 सोम है, सो मुझे सीधे रेलवे स्टेशन पे पहुँचा देगा। और थोड़ा जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल जर्नी है, सो सिक्योरिटी चेक एंड पासपोर्ट वगैरह जो भी है सब डिटेल चेक होंगी, सो पहले जाना ज़रूरी है। सो यही है अपडेट, बाकी नेक्स्ट कंट्री का जो अपडेट है वो मैं वहाँ पहुँचते ही आपको दूंगा। और यहाँ पे कुछ बच्चे अपने स्कूटर्स पे ऑन रोड मस्ती करते हुए, हेलो सलाम हेलो। तो चलो ये बच्चे चले गए, अब मैं भी चलता हूँ, कैब बुक करता हूँ और सीधे पहुँचता हूँ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन जो मेरा है वो बुखारा 1 ही है, ठीक है, जो पड़ता है कोगोन रीजन में। याद रहे, यहाँ बुखारा में आने के लिए आपके पास में कोगोन पे ही आप एंट्री लोगे ट्रेन स्टेशन से, फिर वहाँ से आपको ओल्ड सिटी ये जो बुखारा है यहाँ पे आना पड़ेगा और सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी। सो मैं चलता हूँ, बुक करता हूँ कैब और मिलता हूँ आपको स्टेशन पे, फिर वहाँ पे क्या अपडेट है वो आपको दूंगा। तो कैब बुक कर ली है, मैटीज बुक हुई है और मैं छोटी सी है जा रहा हूँ। ये यहाँ के टेलीविज़न टावर्स हैं, बुखारा टेलीविज़न टावर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके जस्ट बगल में ही मेरा हॉस्टल था, लैंडमार्क है, और यहाँ बगल में एक इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो उसके मैंने पास में बुक किया था। और मेरे हॉस्टल के जस्ट पीछे ही सारा जो रास्ता है 2 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से सारे मॉन्यूमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो कभी भी आप बुक करना चाहो हॉस्टल नियम है, तो रूम ही आप बुक कर सकते हो या फिर एकदम सेंटर में जाके आप जो भी आपको लोकेशन बेस्ट लगे वो बुक कर सकते हो। यह कुछ आसपास का एरिया, बारिश हो रही है, यहाँ से हॉस्टल से करीब 12 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है रेलवे स्टेशन का। मेरे को आते वक्त वहाँ से 9 किलोमीटर दिखा रहा था। ये कुछ यहाँ के अपार्टमेंट्स हैं और ऊपर अपार्टमेंट है, रेजिडेंशियल है, नीचे कमर्शियल कर रखा है। तो चलते हैं फिलहाल अभी रेलवे स्टेशन, ट्रेन देखते हैं कैसी है कौन सी है, तो आपको ओवरव्यू दूंगा पूरा और क्या क्या अपडेट्स हैं चेकिंग वोकिंग के सारे, वो सब क्लियर करने का आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो भाई अगेन उसी जगह पे दोबारा से पहुँच गया हूँ रेलवे स्टेशन पे, और स्टेशन की जो एंट्री है वो वहाँ से एग्ज़िट होती है, ये टिकट ऑफिस है और ये एंट्री पॉइंट है यहाँ से। सो मैं तो इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाला हूँ, तो पासपोर्ट और टिकट जो है वो दोनों चेक होगी। पहुँचता हूँ एंट्री पॉइंट पर, वहाँ से एंट्री लेता हूँ। ये सामने दिख रहा है आपको छोटा सा ग्रीन कलर की लाइन्स डिस्प्ले चल रही है। सो ये है पूरा, फिर से देख लो भाई। और एक बार और बसेस आपको बता दूं मैं, 378 यहाँ पे आती है और 68 आती है। मेक श्योर आप किस डायरेक्शन में खड़े होकर बस ले रहे हो, सिटी के अंदर जाने के लिए आपने अगर कोई बस ली तो आप ढूंढते रह जाओगे और बस आपको शहर में पूरा घुमा देगी। अगर आपको रेलवे स्टेशन आना है तो ध्यान दें डायरेक्शन कि आप किस डायरेक्शन में खड़े हो और क्या डायरेक्शन में आप चेक कर रहे हो। सो दिस इज़ द एंट्री पॉइंट। सो भाई पीछे एज सच कोई चेकिंग वगैरह का नहीं है, ना ही एंट्री टिकट, ना ही कोई आपका पासपोर्ट, ना ही कोई रेलवे टिकट, वो अंदर होगा माइट बी, बट देख लो आसपास से ये है कुछ ऐसा नज़ारा। ये रहा आपका रेलवे स्टेशन और वो रहा आपका ऑक्टोबस बेकास यानी कि बस स्टेशन। वहाँ से आपको सारी बसेज मिल जाएंगी जाने के लिए। आप जब रात में ट्रेन आप निकलोगे ट्रेन से, जब यहाँ पहुँचोगे तो वो एग्ज़िट पॉइंट है, उधर से आप एग्ज़िट करोगे और सीधे उस जगह पे जाओगे। और अगर आपको सेम डे ही यहाँ से रिटर्न की ट्रेन भी चाहिए होगी या किसी और दिन की, बार बार यहाँ चक्कर ना काटना पड़े, तो आप उधर से निकलना, यहाँ से एग्ज़िट ये लेते हुए उस जो वाइट रंग का बिल्डिंग और जो ब्लू कलर की फॉन्ट लिखे हैं उसमें जाके आप टिकट के लिए बारे में पता कर सकते हो। सो यहाँ पे ये है एंट्री। 1 बज रहा है और मेरी ट्रेन जो है 2:40 पे है, चलते हैं अंदर देखते हैं भाई। तो ये है कुछ मेरा लुक कार्गो के साथ में, ऑटोमेटेड है, तो ये सिक्योरिटी चेक है। स्टेशन के अंदर आ गए हैं, ये यहीं से एंट्री हो जाएगी आपकी ट्रेन पकड़ने के लिए।
बाकी ये उधर बैठने के लिए है, ये एंट्री पॉइंट है, ये ऑफिस है और ये सिटिंग एरिया है और सामने टॉयलेट है, कैंटीन है वो बगल में, आप चाहो तो कैंटीन में खा पी सकते हो। बाकी चार्जिंग पॉइंट तो कहीं पर कुछ दिख नहीं रहे। ये है आर्क ऑफ बुखारा का जो फोटोग्राफ है। ट्रेन के लिए मुझे पूछना पड़ेगा किसी से, कोई मुझे बता दे ताकि पता चले ट्रेन कितने बजे है, कौन सी आएगी एग्जैक्टली। कोई इंफॉर्मेशन डेस्क पे अभी बंदा है नहीं, उससे पूछता हूँ मैं। तो मैं थोड़ा सा ऊपर आया था रेलवे स्टेशन के इसे एक फ्लोर है। ये है डिस्कवर सिल्क रोड विद उज्बेकिस्तान रेलवेज। सो ये पूरा का पूरा उज्बेकिस्तान का मैप है जिसमें जहाँ जहाँ से ये ट्रेन स्टेशन जो हैं और रेलवे लाइन जो है वो कनेक्टेड है। कौन कौन सी सिटी आप जा सकते हो, नुकुस और ये है कुंगिरोद। कुंगिरोद और नुकुस ये आपका पड़ता है जो आपकी एरलसी है उसके पास, अगर आपको जाना तो आप यहाँ जा सकते हो। बुखारा जहाँ मैं हूँ, कारसी, तर्मीज, समरकंद मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ और ताशकंद वो रही सिटी जहाँ से मैंने एंट्री ली थी। उसके बाद हैं आपकी मैप एकदम कोने में, तीन चार सिटीज़ और भी हैं। सो कुछ ये है प्रॉपर मैप और ये कुछ ट्रेनिंग की वीडियोज़ दे रहे हैं, ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं जो आर्मी। इधर प्रेयर रूम है, उधर पता नहीं क्या है, ये रेस्ट रूम है किसी को आराम करना होता। तो भाई अभी मुझे भूख लगी थी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, तो मैंने एक समोसा लिया है, चिकन समोसा है जिसका मैंने पे किया है 12,000 सोन। आलू पोटैटो समोसा भी है जो समसा बोलते हैं यहाँ पे भी, तो वो 8,000 सोन की है। और एक मेजर अपडेट देना चाहूँगा, आप जब उज्बेकिस्तान में आ रहे हैं तो यहाँ पे टैक्स फ्री शॉपिंग भी कर सकते हो। एक QR कोड लगा हुआ है बाहर गेट पे, आप उसको अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे ना तो वहाँ से आपको QR कोड मिल जाएगा, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी आपको कैसे टैक्स फ्री शॉपिंग करना है यहाँ पे। तो उज्बेकिस्तान में भी आप VAT रिफंड ले सकते हो, सारा प्रोसीजर जो है वो आपको QR कोड मिलेगा। आप वो जो QR कोड है पूरे उज्बेकिस्तान में मुझे सिर्फ और सिर्फ बुखारा सिटी में आके मिला, वो भी सिर्फ और सिर्फ रेलवे स्टेशन पे। सो आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाओ या टिकट काउंटर पे, सो वहाँ पे आप चेक करना, टैक्स फ्री लिखा होगा और QR कोड लिखा होगा, स्कैन करना और स्कैन करने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सो आप VAT रिफंड वहाँ से ले सकते। सो भाई ट्रेन देखो ये आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। सो मेरा जो बोगी था वो सीधे 1 है, सो ट्रेन स्टेशन में जा रहा हूँ। वालेकुम सलाम, अब आप सीधे English. How are you? I'm good. How are you? What's your name? Khurshid. Mohammed Khurshid Ali. Откуда ты? Morocco. Morocco? No, India. Hindustan. So, ये train आ चुकी है, train number जो मेरा bogie number 1 है, तो bogie 1 पे जाना है। ये रहा station, जा रहा हूँ सीधे आगे और ये जाएगी train. थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन इशू होता है बट इतना भी नहीं, समझ में आ जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये पानी देखो इसमें भरा जा रहा कहाँ से, ये पानी सप्लाई है। आइए, आपकी बुलेट ट्रेन अभी भी खड़ी है यहाँ पे बहुत देर से। तो ये मेरी स्लीपर ट्रेन है, प्लास क्रियात करके नाम है, मैं आपको दोबारा पढ़ के बता दूंगा। और नॉर्मली शॉर्ट में इसको प्लास बोलते हैं और जो कोपे होती है वो कैबिन्स वाले होते हैं। ये ताशकंद के लिए सीधा ट्रेन है, आप ताशकंद जा सकते हो डायरेक्ट और ताशकंद से भी आप ताजिकिस्तान के लिए ट्रेन ले सकते हो। सो इन सेंट्रल एशिया में जितने भी है ना कंट्रीज में फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हो किसी भी कंट्री में जाने के लिए, सेंट्रल एशियन में खासकर। जो ये लिखा हुआ है ना, ये ताजिकिस्तान लिखा हुआ है, सो ट्रेन ताजिकिस्तान के लिए है। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखो इतने वो नहीं खड़े, देखते हैं चेक करते हैं। सलाम, वही है पहला वाला ही है, तो यहाँ पे सब लोग खड़े हैं लोग। हिंदुस्तान नमस्ते नमस्ते सलाम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ना नो ड्रिंक नो स्मोक वेलकम वेलकम थैंक यू भाई ट्रेन तो यही है फिलहाल, 4 नंबर हमारी सीट है,
कुछ ऐसी है तो कुछ ये स्लीपर है देख लो भाई, चार नंबर भाई। अभी आ गया हूँ, ये मिली है केबिन, ये वाली मेरे को, और कुछ ऐसा है ऊपर ब्लैंकेट, एक दो तीन और चार, और दो इधर मिले हैं, तो करीब छः हैं बॉक्सेस एक साइड में। और ये है गेट ट्रेन का, तो ये है वॉशरूम, देख लो भाई लॉक्ड है ये तुम्हारा, यहाँ से सीधे जाने का, इधर यहाँ पे अभी सामान वामान रखा हुआ है तो यहाँ से एग्जिट नहीं कर सकते क्योंकि ये इंजन है, देख लो पीछे गेट दिया हुआ है, पीछे से हम जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेन की खस्ता हाल हो रखी है, अभी वॉशरूम तो बिजी है, चलते हैं आगे देखेंगे। सलाम, नीचे कालीन कारपेट बिछा हुआ है पूरा, अजीब सा बना रखा है पूरा। इंग्लिश ओनली। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मोहम्मद खुर्शीद अली। ओह मोहम्मद खुर्शीद अली, очень приятно. Очень приятно. Лучше английский, да? Есть еще я Ахрор, Яванский. Абдул. Хуршид. Очень. Абдул Джон, Ахрор Джон, okay. Раджавали Джон. Okay. Яванский, Вахдатский, Курганский. Лайкский. Хорош клепсис. So, भाई अभी थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, देखते हैं बाहर कैसा क्या है। ये कैप्टन जो रहेंगे यहाँ पे उनके लिए है, एंड इसकी साहब ओके। सो ये कैप्टन के लिए है जो कूपे का अरेंजमेंट रखेंगे, सबके लिए कमरा बनता है फिक्स। सो ये रही भैया ट्रेन, बुलेट ट्रेन तो निकल चुकी है, यही है पूरी ताजिकिस्तान की ट्रेन, देख लो भाई इट इज़ गुड। यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है उसमें ताजिकिस्तान, और बोगी नंबर चार सब में लगा रहता है स्टार्टिंग में, तो ऐसे ही लिखा है ना MECTA मैक्ता सीट नंबर और बोगी नंबर आपका चार। तो मोस्टली सेंट्रल एशिया में जितने भी है ना ट्रेन में आपका सामने ही है जैसे चार नंबर लिखा हुआ है, विंडो में स्टार्टिंग में लगा देंगे तो आपके लिए ईजी हो जाता है कि आइडेंटिफाई करने में। वैसे ट्रेन की जो हालत है वो तो बहुत ख़राब है, इंटरनेशनल ट्रेन है कम से कम थोड़ा बहुत अच्छा करना चाहिए था ना, जितने भी स्टेशन है वैसे लो फ्लोर रहते हैं सारे, तो वो रहा इंजन, चलते हैं इंजन देखते हैं कैसा है। 2:50 पे चलेगी, मेरा जो है यहाँ पे ये सेकंड और थर्ड लास्ट है वहाँ पे है। वैसे इंजन तो एकदम चमका रखा है लेकिन जो डिब्बा है उसकी तो रेड मार रखी है, कुछ ऐसा दिखता है देख लो भाई इंजन ताजिकिस्तान। ये एक्चुअल ट्रेन है ताजिकिस्तान से चलने वाली, तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। सामने ड्राइवर बैठे हुए हैं देख रहे हैं, तो यही है भैया ताजिकिस्तान की ट्रेन जो मैं सफ़र कर रहा हूँ बुखारो से ताजिकिस्तान के लिए। और अभी ये बुलेट ट्रेन जो है इधर यहीं पे खड़ी थी फिर दोबारा आ रही है बन के, चलो देखते हैं कुछ और। अभी 5:30 हो रहे हैं और अभी हम लोग कारशी में हैं, उज़्बेकिस्तान का ये एक स्टेशन है देख लो ऊपर लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट सारे स्टेशन सेम ही दिखते हैं, कुछ अलग नहीं है किसी भी स्टेशन का, कि आपका थोड़ा बहुत लुक अलग है, है? इंजन यहाँ से अलग हो गया हमारे ट्रेन से। माइट भी यहाँ से दूसरा कोई इंजन लगेगा तो वो लेके जाएगा आगे, देखते हैं फिलहाल तो ये तो इंजन हट गया है। ये पिलर को देखो शेक हो रहा है, खड़े खड़े शेक हो रहा है। या कुछ सामान वामान अगर लेना है तो बाहर जाओ, बाहर जाना मुझे है नहीं, ट्रेन का कुछ अता पता नहीं है यहाँ पे भैया, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा तो छूट जाएगी ट्रेन, उसके बाद से बैगेज वगैरह रखा हुआ है पासपोर्ट वगैरह है सब कुछ चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। अभी 3:30 बज रहे हैं और
करीब 1 बजे हमारा बॉर्डर कंट्रोल आया था। सो 2 घंटे का टाइम लिया इन लोगों ने सारी डिटेल्स चेक करने के लिए, और एंट्री मिल गई है। मीन्स उज़्बेकिस्तान से एग्जिट स्टैम्प लग गया है, हम ताजिकिस्तान के लिए जा रहे हैं। अब 5 बजे तक हम वहाँ पे एंट्री करेंगे, फिर बाकी अपडेट देंगे वहाँ पे। 2 घंटे का समय लग गया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा या कुछ नहीं पूछा, पासपोर्ट आके ले गए। मेरा उज़्बेकिस्तान का वीज़ा था तो उन्होंने वो भी मांगा, वो भी ले गए चेक करने के लिए। तो वीज़ा तो नहीं दिया वापस, एक मैंने ऑलरेडी प्रिंट आउट रखा हुआ है। और 2 घंटे का समय लगा मुझे, 2 घंटे का समय लगा इन लोगों को पूरा सारे पासपोर्ट चेक करने में, कलेक्ट करने में, वापस देने में। तो बस यही था अपडेट फिलहाल, नो क्वेश्चन नथिंग, कोई कुछ पूछा नहीं गया, ना कोई बैग चेकिंग हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाकी आप पहुँचते हैं ताजिकिस्तान में, फिर वहाँ का अपडेट देंगे। भाई ट्रेन से बाहर तो निकल चुके हैं, ये ट्रेन खड़ी है पीछे। बाय बाय। और अभी उधर पूरी पब्लिक जमा हो रखी है बाहर निकलने के लिए, तो एक ही एग्जिट पॉइंट है, तो भीड़ लगी हुई है। मैं अभी यहाँ वेट कर रहा हूँ खड़ा होके, देख लो जब ये लोग निकल जाएंगे उसके बाद मैं जाऊँगा। और मुझे वेट भी करना है थोड़ा सा, अगर मेरा दोस्त जो है वो आने वाला है, मैंने उसको बोल दिया कि मैं यहाँ वेट करूँगा, तो जैसे ही वो आता है फिर मैं निकलूँगा। फ़िलहाल ये जगह भी तो खाली होनी चाहिए ना एग्ज़िट करने के लिए, और नॉर्मल एग्ज़िट है नहीं। मेरा पासपोर्ट भी चेक होगा क्योंकि एग्ज़िट स्टैम्प मेरा उज़्बेकिस्तान में लग चुका है, बट यहाँ अभी लगना बाकी है एंट्री स्टैम्प, तो वीज़ा भी चेक होगा। सो अभी देखो कितना भीड़ लगा हुआ है। वो है रेलवे स्टेशन के एंट्री के लिए, और इधर का पार्ट जो है वो एग्ज़िट के लिए। तो जब निकलता हूँ एग्ज़िट करता हूँ, कुछ क्या क्वेश्चन पूछा क्या नहीं पूछा, अगर कुछ सवाल जवाब होते हैं तो मैं आपको बताऊँगा, जैसा भी रहेगा वैसा आपको अपडेट दे दूंगा फिलहाल। और वैसे ट्रेन में मेरे से कोई भी पूछताछ नहीं की गई, ना मेरा बैगेज चेक हुआ, क्योंकि तो एग्ज़िट जो था उज़्बेकिस्तान से हुआ था। एंट्री पॉइंट के लिए मुझे शायद यहाँ पे होना पड़ेगा, रेल के ट्रेन के अंदर कोई भी एंट्री का और पासपोर्ट इस टाइम कुछ नहीं हुआ। सो वेट करता हूँ। सो हेलो एवरीवन, मैं हॉस्टल में आ चुका हूँ। 1.2 किलोमीटर दूरी थी रेलवे स्टेशन से इस हॉस्टल की। सो जो मेरे दोस्त है याकूब, वो आ गए थे रेलवे स्टेशन पे। सो उन्होंने वाईफाई दिया और बुक करने को बोला, तो मैंने बुक किया है आज के लिए, और बस आज के लिए बुकिंग है। कल वो आएंगे फिर मैं उनके साथ जाऊँगा उनके घर पर, क्योंकि अभी उन्हें ड्राइविंग क्लासेस भी जाना था, तो इसलिए वो चले गए। मैं अपना हॉस्टल में आ गया हूँ। सो ये कुछ हॉस्टल है देख लो, अभी फ़िलहाल तो कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, रिसेप्शन पे खाली पड़ा हुआ है। ये है पूरा हॉस्टल। मैंने अभी बस जस्ट नाउ बुक किया है 500 रुपीज़ में, 545 रुपीज़ हैं, ऑलमोस्ट $6 बनते हैं, और इसमें लंच भी इंक्लूडेड है। और फाइनली मेरा जो एंट्री है दुशानबे में ताजिकिस्तान कंट्री नंबर 6, ऑफिशियली मैं एंटर हो चुका हूँ। सो फिलहाल अभी वेट करते हैं किसी गाने का, फिर चेक इन लेते हैं, फिर आपको बाकी शहर घुमाते हैं और अपडेट देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।